again in our next class. Students, as you know, we are reading our chapter number 12, and the name of our chapter number 12 is Air, Water and Weather. In our previous video, we have studied that the revolution of the earth is causes in the change of the season. अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है या ऋतुएं बदलती है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज एयर. ओपन योर चैप्टर नंबर 12, एयर वाटर एंड वेदर, पेज नंबर 113. द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड टू ब्लो. जो सन की हीट होती है उसी के कारण हवा चलती है, विंड ब्लो होती है. इट ऑल्सो चेंजेस द स्टेट ऑफ वाटर, दस कॉजिंग चेंज इन वेदर. स्टूडेंट्स, सन की जो रेज होती है या सन की जो हीट होती है उसी के कारण ही वाटर के स्टेट्स में भी चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, और इसी तरह वेदर में भी चेंज होता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. आइए हम इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं. एयर, एयर का मतलब है हवा या वायु. द हीट ऑफ द सन अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द एयर. सन की जो हीट होती है वो हवा की मूवमेंट को प्रभावित करती है. द सन हीट्स अप द एयर एंड मेकिंग इट लाइटर. स्टूडेंट्स, जो सन की हीट होती है वो हवा को क्या करती है, लाइट बना देती है, हल्की बना देती है और हवा मूव करती है. द हॉट एंड लाइटर एयर राइजेज अप एंड द कूल एयर टेक इट्स प्लेस. जो गर्म और हल्की हवा होती है ये ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है ये उसकी जगह ले लेती है. दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड्स. और इसी की वजह से जो ये एयर का मूवमेंट है इसी की वजह से विंड ब्लो होती है. नाउ लेट्स नो अबाउट सी ब्रीज. द सन वार्मर बोथ द लैंड एंड द वाटर. जो सन होता है वो लैंड और वाटर दोनों को वार्म या गर्म करता है. बट द लैंड वार्म्स अप फास्टर देन द वाटर. लेकिन जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है, वाटर जल्दी गर्म नहीं होता है. इन द डे द सी इज कूल एंड द लैंड इज वार्म. दिन के समय में सी ठंडा रहता है और लैंड गर्म हो जाती है. हॉट एयर अबव द लैंड राइजेज एंड द कूल एयर अबव द सी ब्लोज टूवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. तो लैंड पर जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है और सी की तरफ से आती हुई जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उस जो स्पेस है जहां पर गर्म हवा थी ऊपर उठ गई है तो जो स्पेस खाली हुआ है उसकी स्पेस ले लेती है. तो इस तरह की जो एयर होती है, इस तरह की जो ब्रीज होती है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट लेट्स नो अबाउट लैंड ब्रीज. एट द नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर बट द सी रिमेन्स वार्म. रात के समय में जो लैंड होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है लेकिन जो सी होती है वो या सी या समुद्र होता है वो गर्म रहता है. सो यही प्रोसेस चलता है. जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर उठती हैं. इस समय इस बार जो गर्म हवाएं हैं वो सी के ऊपर हैं क्योंकि सी गर्म है, ठीक है. तो सी के ऊपर हॉट एयर है, ये जो हॉट एयर होती है ये ऊपर उठती है और जो लैंड पर ठंडी हवा होती है ये आकर के ये जो हमारी ब्रीज थी जो ऊपर उठी है, गर्म हवाएं ऊपर उठी है उसकी प्लेस ले लेती है. तो रात के समय पे जो ये हवा बहती है इसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं. हॉट एयर अबव द सी राइजेस, कूल एयर अबव द लैंड राइजेस टू टेक इट्स प्लेस. सी के ऊपर की जो गर्म हवाएं होती है वो ऊपर उठती हैं और लैंड के ऊपर जो ठंडी हवा बह रही है वो इधर भागती है उसकी जगह लेने के लिए. लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी, ठीक है. और ये जो ब्रीज है ये लैंड से सी की तरफ जाती है तो इसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं. और जब ठंडी हवाएं सी से लैंड की तरफ जाती है तो इसे हम सी ब्रीज कहते हैं. सो ये था हमारा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज. नाउ लेट्स नो अबाउट वाटर. द सन ऑल्सो चेंजेस द स्टेट्स ऑफ वाटर कॉजिंग ह्यूमिडिटी एंड रेन. सन के कारण ही जो वाटर की स्टेट होती है उसमें चेंज होता रहता है और उसी की वजह से ह्यूमिडिटी और रेन भी होते हैं. द सन्स हीट चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. सन की जो हीट होती है वो वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देती है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हवा में जो भी वाटर वेपर होता है उसे ही हम ह्यूमिडिटी या नमी कहते हैं. द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर ज्वाइन टू फॉर्म क्लाउड्स. ये जो वाटर वेपर की टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है ये आपस में जुड़ती रहती हैं और क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है. व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी इनफ वाटर वेपर ट्रांसफॉर्मेशन इंटू वाटर एंड फॉल्स डाउन एज रेन. और जब ये जो क्लाउड होता है ये हैवी हो जाता है, इसमें जो वाटर वेपर होती है ये आपस में जुड़ने लगती है, टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स बना लेती है या पानी की बूंदे बना लेती है. और जब ये बहुत हैवी हो जाता है तो ये फट जाता है और बारिश के रूप में नीचे गिरता है. इन कोल्ड एरिया इट फॉल्स डाउन एंड स्नो. और जो बहुत ठंडी जगह होती है वहां पर ये स्नो के रूप में गिरता है. स्टूडेंट्स, ये था हमारा सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और वॉटर. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन एंड अबाउट वाटर साइकिल. ओके.